हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है डब्ल्यू इज़ ए सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी एफ का। तब आपको प्रूफ करना है डब्ल्यू इज इक्वल टू डबल एन लीटर्स वेयर एन लीटर डिनोट्स द। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डब्ल्यू सब स्पेस है और आपको डबल एनालिटर्स को प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि एनालिटर्स ऑफ एन एनालिटर्स, एनालिटर्स का भी एनालिटर्स आपको दिखाना है कि वो डब्ल्यू ही आएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन डब्ल्यू बी ए सब स्पेस, डब्ल्यू सबसे पहले हमारा क्या है, एक सब स्पेस है दोस्तों ओ वैक्टर स्पेस का। ठीक है, दूसरी बात उसने हमें क्या प्रूफ करना है ये भी हम लिख देते हैं। वी आर टू प्रूफ दैट, वी आर टू प्रूफ दैट कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एनालिटर्स ऑफ एनालिटर्स, यानी डबल एनालिटर का हमें इसे प्रूफ करना है। फॉर दिस, इसके लिए दोस्तों, इसके लिए हमें वी शो, हमें क्या शो करना पड़ेगा कि दोनों ही अपने आप में सबसेट होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले सबसेट को हम कैसे दिखाते हैं, कि हम दिखाते हैं कि एक जो है दूसरे के अंदर कंटेन होता है एंड दूसरा जो है पहले वाले के अंदर कंटेन हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो दोनों दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें ये दो बातें ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ देखिए डेफिनेशंस क्या होती है एनालिटर्स की, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ एनालिटर्स देखिए, वो कहता है एनालिटिक डेफिनेशन में कि अगर कोई एनालिटर्स है तो उसके पास ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शन से बिलोंग करता है वो सेट, कि अगर वो किसी एलिमेंट्स पर लग जाए और वो रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है, तो वो जो एलिमेंट्स आपने लिया वो एलिमेंट्स आपका W का होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों W का एनलीटर्स क्या होता है कि वो W के ही एलिमेंट्स को, W का एनलीटर क्या होगा दोस्तों, W के ही एलिमेंट को ज़ीरो पर मैप करता है। अच्छा, अगर आप इसका भी एनलीटर्स लें, यानी कि डबल एनलीटर्स अगर इसका ले लेते हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं डबल एनालिटर्स को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें दोस्तों वो एलिमेंट्स आते हैं, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो आपके इसके डब्ल्यू के एनालिटर्स के एलिमेंट्स को जीरो पर भेजेंगे, क्योंकि एनालिटर हम इसका निकाल रहे हैं, जिसका एनालिटर निकालना होता है दोस्तों उसी के एलिमेंट्स को जीरो पर भेजने वाले फंक्शन का सेट बना लेते हैं हम। ठीक है, या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डबल एनालिटर इज इक्वल टू, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों हम, कि अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, अल्फा बिलोंग टू वेक्टर स्पेस है और इस पर जो मैप लग रही है वो अल्फा एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एफ बिलोंग टू एनालिटर्स ऑफ डब्ल्यू। अब हम करते हैं लेट कर लेते हैं दोस्तों, लेट कर लिया कि हमने अल्फा बिलोंग करता है डब्ल्यू से। ठीक है, अब W से बिलोंग करता है तो आप लिख सकते हैं कि W से बिलोंग करता है तो ये मैप करने पर जीरो जाएगा फॉर ऑल F एलिमेंट टू एनालिटर्स। ठीक है, अच्छा इस वाले एलिमेंट्स को जो जीरो पर भेजने वाले एलिमेंट्स होते हैं तो उसको आप लोग लिख सकते हैं कि ये डबल एनालिटर्स का मेंबर भी बन जाएगा। ठीक, इसलिए W आपका कंटेन हो जाएगा डबल एनालिटर्स के अंदर, एक कंडीशन दोस्तों आ जाती है। अब हमें दूसरा पार्ट भी इसका देखना होता है, तो दूसरे पार्ट को देखने का थोड़ा तरीका चेंज है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, हम आगे चलते हैं दोस्तों। फर्दर वी नाउ, हम जानते हैं कि डायमेंशंस जो होती है, डायमेंशंस ऑफ W प्लस डायमेंशंस ऑफ W एनालिटर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड, और हम जानते हैं दोस्तों थोड़ी सी बात और, कि अगर हम इसमें ऐसा करें डबल एनालिटर लगा दें, मतलब W की जगह W का एनालिटर यूज करने लगे हैं, तो क्या बनेगा देखने, W का एनालिटर बन जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल एनालिटर्स आ जाएगा, एनालिटर का भी एनालिटर्स, और यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस था वो एक्चुअली में डुअल वेक्टर स्पेस, यानी दूसरा वेक्टर स्पेस आपका बन जाएगा। इस बात को दोबारा फिर लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको डबल कर देंगे यानी कि इसका रिजल्ट जो है ना सेम सेम इस तरीके से बन जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से और ये बन जाएगा आपका दिस। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं एक बात कि जो डायमेंशंस होती है ना, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस और डायमेंशन ऑफ डुअल वेक्टर स्पेस, वो दोनों आपस में सेम सेम होती हैं, दोनों रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट ये रहा एक रिजल्ट ये रहा, दोनों को आपस में बराबर रख देते हैं। बराबर जब दोस्तों रखेंगे तो क्या होगा, डायमेंशंस डब्ल्यू
प्लस डायमेंशंस ऑफ डब्ल्यू एन लीटर्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एन लीटर्स, ये आ गया प्लस ये। तो इसमें से ये वाले जो टर्म्स होते हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा आपका डब्ल्यू ये। तो देखिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट में तो ये कह रहा है कि इस डब्ल्यू को कम्प्लीटली डब्ल्यू के डबल एन लीटर्स के अंदर एंटर कर जाएगा, और यहाँ पर दोनों के डायमेंशन इक्वल हैं, यानी कि उनमें एलिमेंट्स बराबर हैं। जब ये डब्ल्यू इसके अंदर एंटर कर रहा है और दोनों एलिमेंट्स आपके बराबर हैं, तो आप जनरली ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू और डब्ल्यू एन लीटर दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू जो होगा डब्ल्यू ही एन लीटर के बराबर होगा। ये मैं दोस्तों प्रूफ करना था, ठीक है।